के रूप में वाराणसी का सबसे पुराना उल्लेख महाभारत में मिलता है और तभी से काशी भारत में सबसे प्राचीन धार्मिक स्थली के रूप में मौजूद है। यहाँ हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग आते हैं, कुछ भगवान के दर्शन करने तो कुछ हमारे संस्कृति और इससे जुड़े रहस्यों को जानने। अविरत बहती गंगा भी जब काशी से गुजरती है तो शायद उसका मन भी घाटों पर रुककर बाबा विश्वनाथ को नमन करने का होता होगा। वैसे तो काशी में 100 से ज्यादा घाट हैं, लेकिन गंगा के तट पर बने 84 घाट हैं। मोक्ष नगरी काशी का आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ राजनीतिक महत्व भी है। वाराणसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। इसके पहले काशी सुर्खियों में कम ही रहा करती थी, हमेशा खबरों से दूर रहने वाली गंगा की ये नगरी अगर कभी सुर्खियों में आए तो आतंकी हमलों की दहशत को लेकर या फिर गंगा में मौजूद प्रदूषण की वजह से। पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में काशी को विशेष जगह मिली है। आध्यात्मिक तौर पर कहा जाता है कि काशी शिव के त्रिशूल पर बसी है। कहा जाता है कि काशी के कण कण में भोले हैं और जीने का ऐसा फलसफा जो कहीं और नहीं मिलता। तभी तो लोग कहते हैं कि 3 लोग से न्यारे है काशी। वाराणसी निवसते नवसुंदराया, वो भगवान के त्रिशूल पर, इसीलिए कहा जाता है कि त्रिकंटक विराजते, त्रिशूल पर बसी हुई नगरी। और भौतिक काशी नहीं है, आध्यात्मिक काशी है, सनातन है, सत्य है, और इसको अविमुक्त काशी भी कहा जाता है, अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है, मतलब प्रलय काल में भी अवस्थित रहने वाली काशी। द्वादश ज्योतिर्लिंग में यही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर की भगवती दाहिने बैठती है और सर्वत्र वामांगे गिरिराज राज तनया बाएं बैठती है। तो जहाँ बाएं बैठती है वहाँ सृष्टि होती है, जहाँ दाहिने बैठती है वहाँ पर सृष्टि अवरुद्ध हो जाती है, वो मुक्ति क्षेत्र हो जाता है। हिंदू धर्म के अलावा काशी बौद्ध धर्म के पवित्रतम स्थलों में से एक है। वाराणसी के मुख्य शहर से हटकर ही सारनाथ है, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। अशोक पूर्व स्तूपों में से कुछ ही शेष है, जिनमें से एक धामिक स्तूप यहाँ अब भी खड़ा है। हालांकि अब उसके मात्र आधा शिला के अवशेष ही शेष है। वाराणसी हिंदुओं एवं बौद्धों के अलावा जैन धर्म के अवलंबियों के लिए भी पवित्र तीर्थ है। इसके 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ का जन्म स्थान माना जाता है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में काशी का महत्व सबसे अव्वल है, क्योंकि बाबा भोलेनाथ यहाँ स्वयं विराजमान है। काशी अभिमुक्त क्षेत्र है, आनंद वन है, नंदन कानन है। यहाँ की सुबह गंगा की आरती और अजान के साथ होती है। देश विदेश से आने वाले लोग कभी मोक्ष तो कभी सुकून की तलाश में काशी तक का सफर तय करते हैं। कबीर और तुलसीदास की नगरी काशी गंगा जमुनी तहसील की भी मिसाल है। काशी में गंगा के साथ साथ एक संगीत की गंगा भी प्रवाहित होती है, जिसमें जो यहाँ है वो और जो दूर है वो भी डूब कर इसका लुत्फ उठाता है। गायन, वादन और नृत्य की त्रिवेणी का संगम और समागम भी है बनारस। भगवान शंकर के डमरू से निकली ध्वनि का संगीत बनारस के कण कण में विराजमान है। काशी में उस्ताद बिस्मिल्ला खान, पंडित छन्नूलाल जैसे संगीतकार हुए, जिन्होंने काशी के संगीत को जन जन तक पहुंचाया। भगवान शंकर के डमरू से निकली ध्वनि से निकल संगीत बनारस की दिशाओं में मंद मंद महकता रहता है। जिस गली घूम जाइए, घुंघरू की छनका और चैती कजरी ठुमरी का अलाप आपको बरबस अपनी ओर खींच लेगा। बेशक आज वैश्वीकरण का जमाना है, पर असली ग्लोबलाइजेशन देखना है तो बनारस आ जाइए। क्या देसी क्या विदेशी, संगीत के चहेते पूरी दुनिया से यहाँ आते हैं और यहाँ का संगीत ले भी जाते हैं। बनारस के पास सितार है, तबला है,
गायन है, नृत्य है, टप्पा है, ठुमरी है, चैती है, यानी हर अंग के, जिसे हमें चारों पट के गायन वादन जो कहा जाता है, वो चारों पट के गायन वादन सिर्फ बनारस में है और कहीं नहीं है। टप्पा ठुमरी ख्याल दादरा की, गलेबाज गायिकाओं की गर्व स्थली काशी को मानो नटराज का वरदान है। ये संगीत का माधुर्य यहाँ से कभी कम नहीं होगा। तभी तो हुस्न बाई, जानकी बाई, छप्पन छुरी, बड़ी मैना, सिद्धेश्वरी बाई, ये ऐसे नाम हैं जिनके दम पे यहाँ की महफिलें हर वक्त जवा जवा से रहती हैं। बाद के दिनों में गिरजा देवी पंडित राजन साजन पंडित छन्नूलाल मिश्र ने संगीत की इस परंपरा का झंडा दुनिया के हर कोने में फहराया। ऐसे जगह पे जहाँ पे सिर्फ क्रिश्चियन संगीत चलती है, यूरोपियन क्लासिकल म्यूजिक, उस जगह पे जाके चर्चों में बनारस के मंदिर के बाबा विश्वनाथ के संगीत को जो हम वहां पे प्रदर्शित करते हैं, तो वो इतने विवल होते हैं कि कभी 30,000 जनता, कभी 15,000 जनता, कभी 10,000 जनता, इस तरह की जनता इकट्ठी होती है। काशी के संगीत का माधुर्य और लालित्य अनूठा है। शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत की बंदिशें जिनको समझ में आती है उन्हें तो इसके रस का आनंद मिलता भी है, और नए उम्र के जिन युवाओं को नहीं भी समझ आती वो भी इसके रस के दीवाने हैं। काशी को ज्ञान की नगरी कहा जाता है। दुनिया भर से लोग यहाँ ज्ञान की तलाश में आते हैं और काशी के ही होके रह जाते हैं। लेकिन आज काशी ज्ञान से ज्यादा पर्यटन का केंद्र बन गई है, जो देश के रेवेन्यू के लिए तो अच्छा है, लेकिन यहाँ की शिक्षा पद्धति अपनी पहचान खो रही है। तो वर्तमान शिक्षा पद्धति भी वाराणसी में खस्ता हाल है। ऐसा शहर जहाँ महामना की महान बगिया के रूप में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, साथ ही साथ अन्य विश्वविद्यालय के रूप में काशी विद्यापीठ और संपूर्णानंद विश्वविद्यालय हो, वहाँ दिनों दिन शिक्षा का गिरता स्तर परेशानी का सबब बन खड़ा हुआ है। के बेहतर भविष्य और विकास के लिए जरूरी है युवा वर्ग का शिक्षित होना, जिसके लिए उत्तम शिक्षा व्यवस्था का होना बेहद जरूरी है। यूं तो पूरे भारत में एक से बढ़कर एक विश्वविद्यालय हैं, पर इन्हीं में शुमार है काशी नगरी का BHU। काशी का शिक्षा क्षेत्र में पहले से ही दबदबा रहा है। माध्यमिक शिक्षा के बाद छात्रों के बीच BHU में दाखिले को लेकर अच्छी खासी होड़ मची रहती है, मगर स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री के लिए काशी में विकल्प के रूप में सिर्फ और सिर्फ BHU ही दिखाई देता है। जो वाराणसी का रहने वाला है उसका पहला जो प्रथम वरीयता जो होती है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय होती है, क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कई दशकों से उत्कृष्ट शिक्षा जो है छात्रों को प्रदान की जा रही है और विश्वविद्यालय का नाम है पूरे विश्व में। तो यहाँ से पढ़े हुए जो छात्र छात्राएं हैं ज्यादातर देखिएगा कि पूरे विश्व में अच्छे पदों पर सुशोभित हो रहे हैं। काशी विद्यापीठ और संपूर्ण आनंद जैसे विश्वविद्यालयों का वजूद महज पन्नों में दर्ज है। इन विश्वविद्यालयों में छात्रों के बेहतर भविष्य की परिकल्पना महज बेमानी है। जहां एक ओर BHU अपने बेहतर शिक्षा प्रणाली और उच्चतम शिक्षा संसाधनों के लिए जाना जाता रहा है, तो वहीं इसके विपरीत काशी विद्यापीठ और संपूर्ण आनंद अपने लचर शिक्षा व्यवस्था के लिए पूरे काशी में चर्चित है। आखिर क्या वजह है कि तीन तीन विश्वविद्यालयों के मौजूदगी के बाद भी BHU ही एकमात्र विकल्प के तौर पर क्यों देखा जाता है? वर्तमान में देखें तो शायद आज बनारस के BHU में बनारस के ज्यादा से ज्यादा छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे, पहले यह नहीं था, लेकिन अब इसमें काफी तेजी से परिवर्तन आ रहा है। लोगों में ये चेतना आ रही है कि जरूरी नहीं कि IT और मेडिकल ही सब कुछ है। प्लेसमेंट भी वजह है, दूसरा कोर्स का भी है कि BHU में जो कोर्स है बहुत ज्यादा चलते हैं, यहाँ पे प्रोफेशनल और वोकेशनल कोर्स बहुत ज्यादा है और जो अन्य विश्वविद्यालय है इनके साथ ऐसा नहीं है। काशी को ज्ञान की नगरी कहा जाता है। आत्मज्ञान और मोक्ष की तलाश में हजारों सालों से लोग काशी का रुख करते रहे हैं, लेकिन आज महामना मदन मोहन मालवीय के लगाए पेड़ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अलावा कोई और संस्थान शिक्षा की दिशा में अहम योगदान नहीं दे पा रहा है। अगर BHU को हटा दे तो शिक्षा के क्षेत्र में काशी का दबदबा
खत्म हो जाएगा। बदलते भारत में कितनी बदली काशी, ढूंढेंगे भारत एक खोज में। बने रहिए हमारे साथ, डायरी के कुछ पन्ने अभी पलटने बाकी हैं।